देश में कल से सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से पूरे देश भर में जल्लोष किया गया। उसी श्रृंखला में आज नागपुर शहर में ढोल बजाकर उत्साह के साथ मनाया गया। मोदी सरकार द्वारा सीए कानून लागू करने पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी जाहिर करते हुए दंतोली स्थित भाजपा विभागीय कार्यालय के पास जल्लोष मनाया। इस अवसर पर ढोल नगाड़े बजाकर फटाके फोड़कर पेड़े बांटे गए, महिलाओं द्वारा फुगड़ी खेली गई। इस अवसर पर महिला पदाधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से जुल्मों से त्रस्त होकर हिंदुस्तान में आए हुए हिंदू, जैन, सिख नागरिकों को नागरिकता मिलने में आसानी होगी, सभी समाजों को न्याय मिलेगा। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर तीन तलाक जैसे जनहित के निर्णय लिए, इससे जनता में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने आज जल्लोष किया है। सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर जल्लोष कर रहा है, आपको दिख ही रहा है। माननीय पंतप्रधान जी ने जो सीए कायदा जो पारित किया है, उस कायदे के लिए हम उनका आभार मानते हैं। वो जो भी बोलते हैं वो करके देते हैं, वो आपके सामने आया है। ये जो कायदा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम लोग यहाँ पे आए हैं, उनको नागरिकत्व मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। उनको आज न्याय मिला है, उनको कहीं निरुत्साही होने की जरूरत नहीं है। हमारे पंतप्रधान जी जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने जो वचन पूर्ति की है, उस वचन पूर्ति का हम सब महिलाएं और सब भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, पूरे देश भर के लोग उनका आभार मान रहे हैं, हम भी उनका आभार मानते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल भी नहीं मुस्लिमों में ना, क्योंकि जिनको ये कायदा समझ में आया है, मुझे लगता है वो नाराज नहीं है, उनको कायदा समझने की जरूरत है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप ये कायदा समझिए और फिर आप देखिए कि मोदी जी ने क्या बोला था और क्या किया है। इसलिए अभी मोदी जी 400 पार करेंगे, ये हमें गारंटी है। आज सीए का कानून जो लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मैं इस कायदे का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। काफी बेसब्री से इस देश के लोग इस कायदे का इंतजार कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि ये कायदा जो है, ये कानून जो है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए लागू किया गया है। ये तीनों देश मुस्लिम बहुल कंट्री है और इस देश में जो अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम छोड़कर ही है, यानी हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, इनको जो न्याय नहीं मिल रहा है उस देश में। और जो हमारे भाई बहन है वहाँ पर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो यदि भारत में आते हैं, उनके पास में यदि लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनके नागरिकता पे सवाल उठता है, तो वो नागरिकता इस कायदे के द्वारा प्रदान की जाएगी। मुस्लिम बहन भाइयों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में जो भी मुस्लिम है वो सुरक्षित है इस देश में। अल्पसंख्यक जो है उनको, जो हमारे बहन भाई है उनको न्याय देने के लिए ये कायदा है। इस दौरान वैशाली चोपड़े, प्रगति पाटिल, अर्चना डेहनकर, चंदन गोस्वामी के अलावा सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।